हेलो एवरीवन, ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का फैसला यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, जिसके कारण यहाँ पे सभी ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि डिसीजन देखा जाए 2010 के पश्चात जारी किए गए सर्टिफिकेट पे लागू होने वाला है और करीब 5 लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने इसे रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी भी बताया है। मामला यहाँ पे आइए समझते हैं, क्या है ये ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का, ये मामला किस तरीके से यहाँ पे चर्चा का विषय बना है। सबसे पहले देखिए, जो डिसीजन आया है ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहाँ पर बुधवार को ये डिसीजन यहाँ पर दिया है। और डिसीजन देने के पीछे का जो तर्क यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि पश्चिम बंगाल, देखिए मुद्दा जो है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल का है, और 2010 के बाद यहाँ पे जितने भी आपको अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी किए गए थे उन्हें यहाँ पर रद्द करने का ये आदेश दिया गया है। यहाँ पर देखें तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच के द्वारा यह डिसीजन यहाँ पे दिया गया है। और 2011 से प्रशासन के किसी भी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए थे, जिसे यहाँ पे हाई कोर्ट एक तरीके से गैर कानूनी या असंवैधानिक बताकर इसे रद्द करता है। अब आगे यहाँ पे क्या क्या सरकार इसे मानेगी, क्या यहाँ पर किस तरीके से ओबीसी वर्ग को नया सर्टिफिकेट कैसे जारी किया जाएगा, आयोग यहाँ पर किस तरीके से उसका क्या यहाँ पे भूमिका रहेगी, और बाकी यहाँ पे जो मुद्दा है वो भी इसमें समझ लेते हैं। जिन लोगों को नौकरी मिल गई है उनको कितना यहाँ पे फायदा या नुकसान है, क्या उन्हें भी इसका लाभ या इससे नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, बेंच ने कहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट देना एक असंवैधानिक प्रक्रिया जिस तरीके से सरकार ने दी, यानी कि जिस नियम का पालन होना चाहिए था उस नियम का पालन यहाँ पे सरकार के द्वारा नहीं किया गया। नियम क्या है देखिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर यहाँ पे जारी किए गए थे, जबकि होना क्या चाहिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो है सिफारिशें करता है और सिफारिश के आधार पे सरकार यहाँ पे डिसीजन लेती है किसे यहाँ पे ओबीसी वर्ग का लाभ दिया जाएगा किसे नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सर्टिफिकेट को कैंसिल किया गया है और आदेश उन लोगों पर लेकिन लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली, यानी कि यहाँ पे नौकरी प्राप्त लोगों पर ओबीसी वर्ग के अंतर्गत जिनका सर्टिफिकेट है उन पर लागू नहीं होगा, जिन्हें नहीं मिला है उन पर ये लागू होगा। इस कारण से यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं लेकिन हाँ करीब 5 लाख लोग फिर भी यहाँ पे इससे प्रभावित हो सकते हैं। आइए यहाँ पे हाई कोर्ट के डिसीजन को देखते हैं, जिन्होंने इस फैसले को रद्द करते समय क्या कहा। देखिए यहाँ पे ये कथन है, ये डिसीजन यहाँ पे दिया था, पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह माने बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है, यानी कि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। ओबीसी लिस्ट रद्द होने से 5 लाख लोग प्रभावित होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची यहाँ पे पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को तैयार करेगी पिछड़ा वर्ग आयोग, और उसके आधार पर सरकार यहाँ पे नए लोगों को लिस्ट में शामिल करेगी। अब इस संदर्भ में देखिए, ममता बनर्जी जो है जो पश्चिम बंगाल की सरकार की प्रमुख है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या कहना है। देखिए यहाँ पे ममता बनर्जी हाईकोर्ट का यहाँ पे आदेश नहीं मानेगी। मुद्दा भी यहाँ पे देखा जाए एक तरीके से अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, लोकसभा चुनाव है, अलग अलग रैलियों में इस तरह संबोधन चल रहे हैं, और उनके द्वारा इस मुद्दे को हाईकोर्ट के द्वारा भाजपा के आदेश एक तरीके से कहा गया है, उनकी मिलीभगत जैसी चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं, उसे आरक्षण को यहाँ पर लागू नहीं करने की बात की जा रही है, और जो सर्टिफिकेट रद्द करने की बात की है उसे भी यहाँ पर स्वीकार नहीं करें। उनका ये भी कहना है कि मामला देखिए, जब यहाँ पर सर्वे कराया गया था इस नियम को लागू करने को लेकर के, तब यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, अचानक उसको लेकर के इस तरह के डिसीजन आना कैसे। क्योंकि देखिए ये मामला जो है 2010 का है, 2010 में यहाँ पर इस तरीके को लेकर कोर्ट में अर्जी दी गई थी, डिसीजन आने में यहाँ पर काफ़ी समय लगा है, जिसे ममता बनर्जी सरकार यहाँ पे मानने को स्वीकार नहीं करती है, और इसे भाजपा शासित और मिलकर के इस तरीके के यहाँ पर उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि 2011 में जो दाखिल की गई हाईकोर्ट में याचिका और वर्तमान की स्थिति यहाँ पर कैसे बनी। ममता बनर्जी सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ 2011 में देखें तो एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट जो हैं 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार करता है, यानी कि बंगाल में ऑलरेडी यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग एक अधिनियम है, उस अधिनियम के अंतर्गत ओबीसी जो आयोग है उसके पास ये अधिकार है, वो सिफारिशें करता है कि किस तरीके से किसे यहाँ पर आपको ओबीसी माना जाएगा और उसको वहाँ पर उसकी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन वहाँ पर उस नियम को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया था या उसका पालन नहीं किया गया जब 2010 में इस तरीके के सर्टिफिकेट जारी किए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग से हैं उनको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट दिए ही नहीं गए, यानी कि एक तरफ से तो आपने ओबीसी वर्ग को यहाँ पर किसी भी शामिल व्यक्ति को शामिल कर लिया जो नियम है उसके तहत यहाँ पर नहीं है, और दूसरा यहाँ पर आपको जो आने चाहिए ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आपने उसको लाभ भी नहीं दिया है। तो दोनों तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर गलत ही हुई है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें
तो आदेश में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 1993 के कानून के मुताबिक आयोग की सिफारिश को विधानसभा को सौंपनी होगी और इसी के आधार पर ओबीसी की लिस्ट बनाई जाएगी और ये यहां पर डिसीजन दिया गया है। यानी कि अब मामला ये है कि 2010 के बाद जारी किए गए सर्टिफिकेट रद्द करना है, पश्चिम बंगाल के ओबीसी आयोग के द्वारा यहाँ पे एक लिस्ट तैयार की जाएगी, लिस्ट सरकार को सौंपी जाएगी, सरकार उसे विधानसभा में लेकर आएगी और विधानसभा में जो लिस्ट यहाँ पर होगी, जिनके नाम इस लिस्ट में होंगे, उन्हीं को ओबीसी अब माना जाएगा। तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में ओबीसी वर्ग को लेकर के, सर्टिफिकेट को लेकर, रिजर्वेशन की प्रक्रिया को लेकर, उसमें किसको कब कैसे शामिल किया जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर हम यहाँ पर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।